हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में कनाडा सरकार की तरफ से ओपन वर्क परमिट के लिए एक नई जानकारी दी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो नई जानकारी दी गई है ओपन वर्क परमिट के बारे में, इससे कौन से प्रवासी लोगों को ज्यादा फायदा होगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं। कनाडा में प्रवासी एप्लीकेंट को अब वर्क परमिट एक्सपायर होने से 4 महीने पहले ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो तब भी ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए योग्यता रखते हैं अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है। ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए सारे वर्क परमिट होल्डर योग्यता रखते हैं जिन्होंने कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसके साथ ये कैंडिडेट कनाडा में काम कर सकते हैं, और जबकि वे अपनी पीआर एप्लीकेशन और आरआईसीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ क्या है, कनाडा में लेबर शॉर्टेज भी नहीं होगी। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है और आप इसे मेंटेन करना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए योग्यता रखते हैं। BOWP प्रोग्राम उन कैंडिडेट के लिए है जो इस टाइम कनाडा में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और उनकी PRR एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये नई खबर कनाडा सरकार की तरफ से सामने आई है। इस जानकारी के रिगार्डिंग डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca, इस वेबसाइट पे जाकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप नई अपडेशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डेली कनाडा के बारे में नई अपडेशन मिलती रहे, तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कनाडा के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या किसी वीजे के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 इस नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।